माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। जी हां, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इस बार अपर्णा यादव, वरुण गांधी, संगमित्रा मौर्य, बृजभूषण शरण सिंह ऐसे चेहरे रहे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं होल्ड पर डाल रखा था। लेकिन एक बार फिर से अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव को जिम्मेदारी मिल गई है, महिला आयोग की उपाध्यक्ष कहीं ना कहीं अपर्णा यादव बना दी गई है। हालांकि अपर्णा यादव इस पद से खुश नहीं थी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं समझा बुझा कर इस पद के लिए राजी कर लिया गया और उन्होंने कल अपना पद स्वीकार कर लिया। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, वरुण गांधी, संगमित्रा मौर्य, बृजभूषण शरण सिंह ऐसे कई चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर रखा है। क्या वाकई में इनको टिकट मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इनको इस बार के उपचुनाव में अगर नहीं देती है टिकट तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव जो होंगे उत्तर प्रदेश के 2027 में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी? हालांकि देखा जाए तो अपर्णा यादव को जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली वो भी काफी समय बाद, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि वरुण गांधी को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है, लेकिन वो कब देगी कहीं ना कहीं इस पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। ये भी अटकलें निकल कर आ रही थी जिस तरीके से अपर्णा यादव को लेकर कहा जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार के उपचुनाव से पहले उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देती है तो आने वाले दिनों में अपर्णा यादव सपा का रुख कर सकती है। वही बृजभूषण शरण सिंह और संगमित्रा मौर्य के लिए भी कवायदें उठती हुई नजर आई। वरुण गांधी के लिए भी ये भी कहा जाने लगा कि वो सपा में कहीं ना कहीं शिरकत कर सकते हैं। और मेनका गांधी जिस तरीके से वरुण गांधी को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आई थी, उन्होंने कहा था कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से वो अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हैं, ये सवाल आप उन्हीं से करिएगा, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेनका गांधी साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आई। इस बार सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट मिला था लेकिन वो हार गई, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि अब वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों का पत्ता कट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या वो दूसरी पार्टी का रुख करेंगे? वहीं बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से महिला पहलवानों के मामले में फंसते हुए नजर आए, WFI के पद से उनको हटा दिया गया, वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि बृजभूषण शरण सिंह भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी का रुख कर सकते हैं। और भी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि अब वो मुंगेरी लाल बनने के सपने नहीं देखते हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई टिकट नहीं देगी। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए संगमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद रह चुकी हैं 2 बार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया, दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं और वह प्रत्याशी हार जाता है। ऐसे में संगमित्रा मौर्य टिकट कटने से रोकते हुए भी नजर आई, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य उनके पिता भड़कते हुए नजर आए और उनको फटकार लगा दी कि इस तरीके से कायरता वाली हरकत मेरी बेटी नहीं कर सकती है और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य संगमित्रा मौर्य के लिए करते हुए नजर आए। लेकिन ये जो तमाम चेहरे हैं, क्या ये तमाम चेहरे अखिलेश यादव की पार्टी के साथ शामिल हो सकते हैं या मायावती का रुख कर सकते हैं? वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी से ये लोग अलग हो जाते हैं तो कितना नुकसान, कितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है? वहीं अगर वरुण गांधी की बात करें, जब उन्होंने पीलीभीत सीट छोड़ी जिसके बाद काफी जनता नाराज होती हुई नजर आई और वहीं जितिन प्रसाद को मौका उनकी सीट पर दिया गया, हालांकि देखा जाए तो पीलीभीत से जितिन प्रसाद जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अटकलें लगाई जा रही है कि वहां की जो जनता है वो कहीं ना कहीं वरुण गांधी को मिस करती है। ऐसे में अगर पीलीभीत से सपा में वो शामिल होते हैं या किसी भी पार्टी में शामिल होते हैं, अगर वो पीलीभीत से वरुण गांधी को लेकर दांव चलती है तो कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि वरुण गांधी जीत दर्ज कर सकते हैं। और वही बृजभूषण शरण सिंह के लिए हो सकता है, संगमित्रा मौर्य के लिए भी वही कवायद निकलती हुई नजर आ सकती है। देखना यह होगा कि आखिर में किस तरीके के समीकरण उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से डिसीजन लेगी, क्या इन पुराने चेहरों को फिर से एक बार कमबैक कराती हुई नजर आएगी या फिर नए नए चेहरों को मौका देती हुई दिखाई दे सकती है। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज़।